हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल नया नया तरह का फ्रॉड सुनाई दे रहा है। कभी बैंक फ्रॉड हो रहा है, कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो रहा है, कभी जॉब फ्रॉड हो रहा है, कभी एटीएम फ्रॉड हो रहा है। अब कुछ नया सुनने को मिल रहा है, वो है सिम ब्लॉक फ्रॉड। ये सिम ब्लॉक फ्रॉड क्या है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। प्लीज बने रहिए इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिम ब्लॉक फ्रॉड क्या है? सिम ब्लॉक फ्रॉड में टेलीफोन कंपनी के उपभोक्ताओं के डेटा को, नंबर को चुरा लिया जाता है किसी भी तरीके से। फिर इन नंबरों पे एक मैसेज जाता है जो कि कहता है कि आपका सिम ब्लॉक होने वाला है क्योंकि आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को नहीं जमा किया है और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, इस वजह से आपका सिम ब्लॉक होने वाला है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करिए। जब आप उस नंबर पे कॉल करते हैं तो वो नंबर कोई दूसरे स्टेट का व्यक्ति उठाता है, फिर आपको तरह तरह के ऐप को डाउनलोड करने के लिए बताता है। उसमें से एक ऐप है जिसका नाम है एनी डेस्क ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद एक यूनिक नंबर आता है आपके मोबाइल में, जिसको साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए कहा जाता है। अगर आप वो नंबर को शेयर कर देते हैं तो आपका मोबाइल समझिए उनके हाथ में पहुंच गया। वो सारी डिटेल्स आपके मोबाइल की पता कर लेते हैं, चाहे वो आपका SMS हो, चाहे वो आपका चैट हो, जो भी डिटेल्स है, डेटा वो पता कर लेते हैं। उसके बाद वो तरह तरह के फ्रॉड कर लेते हैं। और भी तरह के ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप रिचार्ज करिए उसके थ्रू। जब आप रिचार्ज करते हैं तो आपकी बैंकिंग डिटेल्स उनको पता लग जाती है और उसके वजह से बहुत से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाते हैं और बहुत से फ्रॉड हो जाते हैं। इस तरह से डॉक्टर को, एक डॉक्टर था उसको बेवकूफ बना दिया गया इन ठगियों ने, और बहुत तरह के फ्रॉड हो रहे हैं इस वजह से। इसलिए आप इन सब से बचिए। अगर इस तरह का कोई भी मैसेज आपके पास आता है और आपसे कहा जाता है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या आपसे कहा जाता है कि कोई OTP आया आप उसको शेयर करिए, तो कभी भी शेयर मत करिएगा, क्योंकि आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो सब ये लोग के पास पहुंच जाती है और इसकी वजह से वो लोग बहुत सा फ्रॉड कर सकते हैं। आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। और ये जो काम हो रहा है, इस तरह का जो कांड हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश में, MP झारखंड में हो रहा है। इस तरह के रैकेट चलाए जा रहे हैं, तो आपके साथ भी हो सकता है। मेरे घर में भी एक फोन आया था और वो बार बार कह रहा था कि आपका सिम ब्लॉक होने वाला है। तो जब मैंने फोन पकड़ा और उससे पूछना शुरू कर दिया तो उसके बाद उसने फोन काट दिया। इसका मतलब वो फ्रॉड था। और इस काहे का सिम ब्लॉक हो जाएगा भाई, जब पूरा रिचार्ज कराया तो किस वजह से सिम ब्लॉक हो जाएगा, आप ये सोचिए। इस चीज का फायदा उठाते हैं ये लोग, और जो लोग को पता नहीं रहता इसके बारे में हड़बड़ा जाते हैं, भोले मासूम लोग, उनको ये लोग बेवकूफ बना लेते हैं, पैसा ऐंठ लेते हैं। और लाखों रुपए ऐंठ लिया गया एक डॉक्टर से जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान था। तो सोचिए वो लोग, जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं, तो कितने बड़े सेक्टर को ये लोग टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।